हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग बजाज डिस्कवर 125 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइक है, डिस्कवर जो सीरीज है, ये इंडिया से बजाज ने कुछ टाइम पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स इस बाइक का जो डिमांड है वो उस टाइम पर इतना नहीं था, और जैसे अपडेट्स इस बाइक में चाहिए थे कंपनी ने वैसे अपडेट्स उस टाइम पर किया नहीं। बट अभी जिस हिसाब से फ्रेंड्स 125 सेगमेंट की बाइक का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, और लोग जो है वो फ्रेंड्स अभी मतलब पेट्रोल के प्राइजेस के कारण काफ़ी लोग जो है वो लोअर सीसी सेगमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 125 सेगमेंट में भी बजाज के पास टोटल में दो प्रोडक्ट्स पहले से है, बजाज पल्सर 125 और एक स्पोर्टी में अगर आपको चाहिए तो एनएस 125। बट अभी जिस हिसाब से मतलब बाइक के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, उस हिसाब से फ्रेंड्स एक लोअर रेंज में मतलब कम प्राइसिंग में भी एक अच्छी बाइक की अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जो कि फ्रेंड्स ये बाइक इंडियन मार्केट में फुलफिल करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इसका प्राइसिंग देखने को मिलेगा, माइलेज ये क्या ऑफर करेगा, क्योंकि माइलेज भी अभी काफ़ी एक कंसर्न यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो अब ज़्यादा माइलेज वाली बाइक को प्रीफर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ओवरऑल में देखा जाए तो इसमें कंपनी फीचर्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी वो भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी आपकी बाइक अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। और आप फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे फ्रेंड्स आप कुछ भी जो है वो बाइक का अपडेट्स आपको मिलते रहता है हमारे इंस्टाग्राम पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो बाइक है ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आएगा, मतलब ये आपको सेमी कम्यूटर टाइप का फील जो है वो प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं लुक्स काफ़ी अच्छा है, इसमें टैंक का जो आपको मतलब एक्सटेंशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में मिलेगा, काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ, और बिल्कुल न्यू ग्राफिक्स के साथ कंपनी इसे लॉन्च करने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल में तो फ्रेंड्स व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, और फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक में, यहाँ पे चार पांच कलर ऑप्शंस में ये अभी इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है, और इंडिया में भी ये बाइक लॉन्च होगी तो इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो फ्रेंड्स आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाएगा। और फ्रेंड्स इसका जो मीटर है वो आपको बेसिक फीचर्स ही डिलीवर कर पाएगा, कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स एक मतलब बजट सेगमेंट की ऑफरिंग रहने वाली है बजाज की तरफ से, तो ज़्यादा फीचर्स की आप उम्मीद इस बाइक से नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं लाइटिंग सेटअप वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको एलईडी में डीआरएल्स के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो लाइट्स है वो हैलोजन में ही मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, रियर में कंपनी आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। ओवरऑल में ये फ्रेंड्स आपको बेसिकली मतलब एक कम्यूटर टाइप की बाइक रहने वाली है, जो कि अच्छे लुक्स के साथ आने वाली है। अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको फ्रेंड्स 124.6 सीसी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड 4-स्टॉक एयर कूल DTSI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो कि लगभग में यहाँ पे 11 BHP के अप्रॉक्स में पावर प्रोड्यूस करेगा, और 11 Nm के अप्रॉक्स में आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। ये फ्रेंड्स 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ आएगा, और ओवरऑल में कंपनी इसमें आपको फ्रेंड्स किक भी प्रोवाइड करेगी, सेल्फ भी देखने को मिलेगा, तो किक और सेल्फ दोनों ही आपको इस बाइक में मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके टायर वगैरह के बारे में और सस्पेंशन के बारे में, तो कंपनी इसमें फ्रेंड्स आपको दोनों ही जो टायर्स है वो ट्यूबलेस प्रोवाइड करेगी, जो कि अलॉय व्हील्स के साथ आएगा, और इसमें सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में यहाँ पे मोनोसॉक्स मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी इसमें मोनोसॉक्स प्रोवाइड करती है। इसमें बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का आपको फ्रंट में यहाँ पे वाइजर देखने को मिलेगा, टैंक का एक्सटेंशन वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में मिलेगा, मतलब ये आपको एक बिग बाइक का फील प्रोवाइड करेगी, और ओवरऑल में देखने में ये काफ़ी मतलब प्रीमियम लगने वाली है। कंफर्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है, सिंगल में आपको कंपनी इसमें सीट प्रोवाइड करेगी, और इसमें आप बिल्कुल ही अपराइट बैठेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको सिटी राइडिंग वगैरह करने में इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात करते हैं इसके माइलेज वगैरह के बारे में, तो ये जो बाइक है ये आपको फ्रेंड्स माइलेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा, 60-65 के अप्रॉक्स में आपको इससे माइलेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे ढंग से ट्यून किया जाएगा, जिससे कि ये बाइक आपको अच्छा माइलेज डिलीवर कर पाए, और मेंटेनेंस काफ़ी कम रहने वाला है इस बाइक का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड इंजन रहेगा, तो इसमें फ्रेंड्स आपको मतलब फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स के जितना पेट्रोल वगैरह रखने का जरूरत नहीं है, और ये काफ़ी अच्छे ढंग से आप मतलब लो मेंटेनेंस भी इस बाइक को राइड कर पाएंगे। तो देखा जाए फ्रेंड्स इस बाइक की अगर हम प्राइसिंग वगैरह के और लॉन्च के बारे में बात करते हैं, तो अभी तक फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च को लेकर कंपनी ने कुछ भी कंफर्म एक डेट अनाउंस नहीं किया है। अगर एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करते हैं तो लगभग में फ्रेंड्स ये आपको 80-85,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड प्राइसिंग के साथ देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। और बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो फ्रेंड्स 2022 में ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी डिमांड बढ़ रहा है 125 सेगमेंट की बाइक का, तो बजाज काफ़ी ध्यान देता है और न्यू प्रोडक्ट्स को जल्दी लॉन्च करता है इंडियन मार्केट में, और ये इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो रहा है तो काफ़ी आसान है बजाज के लिए कि वो इंडियन मार्केट में इसे लॉन्च कर दे। तो अगर फ्रेंड्स इसका कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।